हर जंग बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती और हर एक फौजी यूनिफॉर्म में नहीं होता। वो आपके आसपास या आपके अंदर भी हो सकता है, लेकिन अक्सर ऐसे जंग और ऐसे वीरों की कहानी इतिहास के पन्नों में दब कर रह जाती है। 14 अगस्त 1947, पाकिस्तान का जन्म हुआ। भौगोलिक रूप से शायद ये पहला ऐसा बंटवारा होगा जहाँ पे इस नए जन्मे देश के दो हिस्सों के बीच में 1500 किलोमीटर की दूरी थी। ये थे वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं। वेस्ट पाकिस्तान वॉज बिगर इन लैंडमास, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 75% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। आजादी के 23 साल बाद भी वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को अपनी एक कॉलोनी की तरह ही ट्रीट करता आ रहा था। ईस्ट पाकिस्तान, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, उसमें पाकिस्तान से अपनी आज़ादी की वहां के आवाम की लड़ाई चरम सीमा पे थी। इस विद्रोह को दबाने के लिए पाकिस्तान ने जनरल टीका खान को वहां भेजा, जिसने जीनोसाइड करके कुछ 30 लाख बांग्लादेशियों को मार दिया और कुछ 1 करोड़ बांग्लादेशी भारत में रिफ्यूजी बनकर आ गए थे। बांग्लादेश में ही बनी इंटरनल रेजिस्टेंस गुरिला फोर्स मुक्ति वाहिनी ने भारत की मदद से पाकिस्तान सरकार के सामने आवाज़ उठाई। दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ रहा था। 1971 की गर्मियों में भारत ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें इंटरवीन करके ईस्ट पाकिस्तान पे हो रहे अत्याचार को बंद करने के लिए अनुरोध किया, लेकिन अमेरिका और उसके मित्र देश इससे दूर ही रहे और रूस, जो कि भारत का मित्र देश था, उसका पाकिस्तान पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना होने की वजह से उसका कुछ नहीं चला। अब युद्ध ही एक आखिरी विकल्प था। नवंबर 1971, पाकिस्तान ने एक योजना बनाई, ऑपरेशन चंगेज खान, जिसके अंतर्गत वो भारत को युद्ध से पहले ही एक सरप्राइज एरियल अटैक करके हरा देने की फिराक में था। ये योजना इसराइल से प्रेरित थी, जब इसराइल ने सिर्फ 6 दिन में इजिप्ट पे एक सरप्राइज एरियल अटैक करके उनके सब मुख्य एयरबेस और रडार स्टेशन को डिस्ट्रॉय करके युद्ध जीत लिया था। हमले का दिन और वक्त 3 दिसंबर 1971, शुक्रवार शाम के 5:45 पर, जब इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पे शिफ्ट बदलती है, तब तय किया गया। उस दिन पाकिस्तानी 24 F-86 सेबर्स, 8 मिराज और 4 F-104S ने मिलकर कुछ 183 बॉम्ब भारत के 12 रनवे पर गिराए। बंटवारे के 23 साल बाद भारत और पाकिस्तान तीसरी बार युद्ध में आमने सामने थे। उस दिन रात को 9 बजे इंडियन एयरफोर्स ने जवाबी कार्यवाही शुरू कर दी थी। आधी रात के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की जनता को संबोधन करते हुए कहा कि युद्ध शुरू हो चुका है। भारत के पूर्वी छोर पर लड़ाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन भारत के पश्चिमी छोर पर एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसका इस युद्ध को अपने अंजाम तक पहुंचाने में एक बड़ा योगदान होने वाला था, लेकिन अफसोस ये घटना इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज ही नहीं हुई। भारत के सबसे बड़े जिले कच्छ का मुख्यालय भुज और उसके पास एक छोटा सा गांव माधापुर। तारीख थी 9 दिसंबर, समय रात के 10 बजे। भुज का इंडियन एयरफोर्स का एयरबेस। रात के सन्नाटे और अंधकार के बीच में पाकिस्तानी बॉम्बर्स की आवाज़ और देखते ही देखते एयरबेस की सायरन। उस दिन
पाकिस्तानी कैनबेरा बॉम्बर्स ने सिर्फ 6 घंटों में 65 नेपलम बॉम्ब्स गिराकर पूरी की पूरी हवाई पट्टी, जो कि 3 किलोमीटर लंबी थी, उसे नष्ट कर दिया था। पास के गांव माधापुर में इतनी भारी बमबारी को सुनकर वहां के लोग अफरा तफरी में बुझ छोड़कर भागने लगे। ऐसी परिस्थिति में वहां के जो मजदूर और कॉन्ट्रैक्टर जिन्हें ये एयर स्ट्रिप रिपेयर करनी थी, वो भी बुझ छोड़कर चले गए। ऐसे में पास के गांव माधापुर में से 300 लोग, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं थी, वो सामने आई और भारी बमबारी के बीच में सिर्फ 72 घंटों में पूरी की पूरी एयर स्ट्रिप रिपेयर करके एक इतिहास रच दिया। इस पूरी घटना में 3 लोगों का सबसे अहम योगदान था। एक तब के माधापुर गांव के सरपंच जादव जी शिवजी हिरानी, दूसरे तत्कालीन जिला कलेक्टर एन गोपाल स्वामी और भुज एयरबेस के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर विजय कार्निक। भुज एयरबेस की पूरी जिम्मेदारी इन पर थी। एयर स्ट्रिप पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी, जगह जगह बड़े गड्ढे हो गए थे और कुछ बॉम्ब्स में टाइमर फिट होने के कारण एयरबेस की मरम्मत के दरमियान इनके फटने की पूरी आशंका थी। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस समय वहाँ पे 4 हेलीकॉप्टर्स भी थे जो कि सुरक्षित बच गए। पहले इन हेलीकॉप्टर्स को एक अलग सुरक्षित जगह पे ले जाया गया, फिर इनमें से एक हेलीकॉप्टर की मदद से जब पूरे रनवे का एक निरीक्षण किया गया तो 6 ऐसे बॉम्ब मिले जो फटे नहीं थे। सेना की बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। एक दूसरी मुश्किल ये भी थी कि ईस्टर्न कमांड ने इस एयरबेस पर सुखोई 7 फाइटर प्लेन्स तैनात करने का निर्णय किया था, ताकि यहां से पाकिस्तान पे ज्यादा से ज्यादा हमला करके उसे सबक सिखाया जा सके। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब एयरबेस नष्ट हो गया था, तब इस प्लेन्स को यहां पे उतारना नामुमकिन था। जब एयरबेस रिपेयर करने का प्रश्न खड़ा हुआ, तब कर्निक साहब के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि एयरबेस रिपेयर करने वाली जो पायनियर कंपनी के लोग थे, उन्हें आने में 3-4 दिन लग जाते। तो इसका हल ढूंढने के लिए उन्होंने तब के तत्कालीन जिला कलेक्टर की मदद मांगी। तब जिला कलेक्टर एन गोपाल स्वामी ने जिला के PWD डिपार्टमेंट का संपर्क किया, लेकिन पिछली रात को भारी बमबारी के कारण आधे से ज़्यादा भुज खाली हो गया था, इसलिए PWD को भी एयर स्ट्रिप रिपेयर करने के लिए मजदूर मिलने में मुश्किल हो रही थी। इतने में एयरबेस के पास के शहर भुज में एक ही रात में 65 बॉम्ब गिरने के कारण कोलाहल मच गया था, जिससे कि आधा शहर खाली हो गया था। उस समय तत्कालीन जिला कलेक्टर थे एन गोपाल स्वामी। एन गोपाल स्वामी 1966 के IAS बैच के पास आउट थे। आगे जाके फिर वो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बने। 2015 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा था। तब एन गोपाल स्वामी ने पास के गांव माधापुर के सरपंच जादव जी शिवजी हिरानी की मदद मांगी। जादव जी हिरानी ने जिला कलेक्टर को ये आश्वासन दिया कि वो 150 से 200 लोगों का इंतज़ाम कर देंगे। फिर उन्होंने जब ये बात गांव के लोगों को कही, तो तुरंत ही कुछ 200 महिलाएं इस काम के लिए तैयार हो गई और दूसरी सुबह इन सब को ट्रक में बैठाकर एयरबेस ले जाया गया। तब मेरा काम ये था कि सब लोगों का नाम रजिस्टर करना और फिर उनके साथ वहाँ पे जाना। अब तक मानो जैसे सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न था जो लोग रनवे रिपेयर करने वाले थे, उनकी सुरक्षा का। क्योंकि युद्ध के बीच में रनवे रिपेयर करना खुले आसमान के नीचे और उस पर ऊपर मंडराते पाकिस्तानी प्लेन्स, इन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कमांडिंग ऑफिसर विजय कार्निक ने ली थी। फिर उन सबको पूरा मार्गदर्शन दिया गया। काम शुरू करने से पहले रनवे के पास थोड़े थोड़े अंतर पर खड्डे कर दिए गए थे और जब सायरन बजता तब इसके अंदर दौड़ के बैठ जाना था, और फिर जब शांति का सायरन बजे
तो वापस काम पे लग जाना था। इस तरह सिर्फ 3 दिन में पूरी हवाई पट्टी रिपेयर कर दी गई। गोपालास्वामी ऐसे थे कि जब तक भारत और पाकिस्तान का युद्ध खत्म नहीं हुआ तब तक रात दिन उन्होंने जितनी सेवा की है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। पाकिस्तान के पास मिराज प्लेन थे जो कि फ्रांस के थे और भारत के पास रशिया के मिग प्लेन थे। जब मिराज प्लेन में पाकिस्तानी पायलट आते तो जब चंद्रोदय होता है वो उस समय बॉम्बार्डमेंट करने के लिए आते थे जिससे कि उन्हें हमारा जो एयरबेस था वो स्पष्ट रूप से दिख सके। लेकिन उस रनवे के बिल्कुल पैरेलल पास के एक सुखपर गांव में एक झड़को झड़की नामक तालाब था, तो जब चंद्रोदय होता तो उस तालाब का पानी भी चमकने लगता और पायलट गलती कर देते और उसे एयरपोर्ट समझ के वहाँ पे बॉम्ब डाल देते। और इस तरह उन्होंने ऐसी बहुत सारी गलतियाँ की और बहुत सारे बॉम्ब तो बगैर फटे वहाँ रह जाते थे। और ऐसा ही एक 500 किलो का मेड इन यूएस से लिखा हुआ बॉम्ब जो बगैर फटे वहाँ तालाब के किनारे रह गया था। पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने चांदनी रात का फायदा उठाते हुए हवाई बमबारी जारी रखी, लेकिन इस बार भी वो नाकाम रहे। इस बार वापस कमांडिंग ऑफिसर विजय कार्निक ने गांव वालों को दिलासा दिलाया कि उन्हें कुछ नहीं होगा और उन्होंने जामनगर एयरबेस की मदद मांगी और वहां से 2 मिग प्लेन्स कंटिन्यूसली इस जगह पे उड़ाते रहे इस जगह की निगरानी के लिए। मेरा बेटा भी छोटा था फिर भी मैं गई थी, डर नहीं लगा था। पहले वहाँ खड्डे देखकर थोड़ा डर लगा कि ये काम कैसे होगा, लेकिन ट्रक में रेत और पत्थर लाए गए और 2 दिनों में जितने भी बड़े और गहरे खड्डे थे वो हम सब ने ठीक कर दिए। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था कि काम को 2 साल लगेंगे, हमने वो 3 दिन में पूरा कर दिया। जैसे ही पाकिस्तानी प्लेन आते तो हम छिप जाते। सायरन जब बजता तो पहले हम कांटों की झाड़ियों में या खड्डों में जाकर छिप जाते। हम में से किसी को भी मरने का मानो डर ही नहीं था। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, बॉर्डर हमेशा स्ट्रेटेजी की इम्पोर्टेंस होती है और उस समय कच्छ में भुज में एकमात्र वायुसेना का मतलब था। एयर पावर जो था उसका जो कंसंट्रेशन जामनगर में हुआ करता था। जामनगर से एयरक्राफ्ट चलते थे पाकिस्तान तक जाके हमला करके लौटते थे और भुज के एयरबेस को इन लोगों ने रिजर्व के लिए रखा था कि इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़ी। और क्योंकि भुज बॉर्डर के नज़दीक था तो इसके दुश्मनों के निशाने पर भी वो ज़्यादा था। तो लोग क्या करते थे कि ये बात जैसे कि एयरफोर्स के कुछ बंदों ने जो उस समय के जो दोस्त थे उन्होंने बताया था कि बहुत ही लो फ्लाइंग फाइटर एयरक्राफ्ट जामनगर से टेक ऑफ करते थे और भुज तक लो फ्लाई करते थे और भुज के बाद वो ऑल ऑफ अ सडन हाइट पकड़ते थे। तो पाकिस्तान के रडार्स में वो भुज के पास से उन्होंने उड़ान भरी है ऐसा एक आभास क्रिएट होता था। तो उनको ऐसा लगता था कि भुज जो एयरबेस है वो एयरफोर्स ने अपना मेन बेस बना के रखा है, स्ट्रेटेजिक प्लेन्स भी वहीं से उड़ते हैं। तो उसका इफेक्ट क्या हुआ कि 71 वॉर में जब बॉम्बार्डमेंट पाकिस्तानी प्लेन्स ने कच्छ के ऊपर किया तो भुज को उन लोगों ने कंसंट्रेशन भुज के एयरबेस को टारगेट किया। लेकिन उस समय किसी भी बहन बेटी ने कुछ भी मना किए बगैर वो इस एयरपोर्ट के काम में जुड़ गई। लगभग उस समय 200 से 250 महिलाओं ने अपने बच्चों का विचार किए बगैर वो एयरपोर्ट के काम के लिए निकल पड़ी। और एक बात की प्रसन्नता ये है कि 24 घंटे के बाद जब खाने पीने की समस्या होने लगी तो भुज के स्वामीनारायण मंदिर ने भी काफ़ी साथ दिया। ये माधापर की घटना भी ऐसी है कि इतिहास के पन्नों पर ये होनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी और अभी नहीं तो शायद 50-100 साल के बाद दूसरी तीसरी पीढ़ी को ये पता होना चाहिए कि उनके पूर्वजों ने क्या काम किया था। और इस गांव में रहने वाले लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि वो एक ऐसे गांव के अंदर रह रहे हैं
कि जिनकी माँ बेटियों ने देश के लिए बलिदान दिया था। इस नामुमकिन लगने वाले काम को इन वीरों और वीरांगनाओं ने सिर्फ 72 घंटों में खत्म करके एक इतिहास रच दिया था। रनवे रिपेयर होने के बाद इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने यहाँ से उड़ान भी भरी थी। युद्ध इतिहास में शायद ये पहली और एकमात्र ऐसी घटना होगी जहाँ पे इतनी सारी महिलाएं युद्ध में शामिल हुई होंगी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने एक भाषण में कहा था कि मुझे अभी अभी पता चला है कि कच्छ में भुज एयरबेस की हवाई पट्टी जिसे पाकिस्तान ने नष्ट कर दिया था उसे मेरी माधापर गांव की वीरांगना बहनों ने सिर्फ 3 दिन में ठीक कर दिया है और युद्ध में झांसी की रानी बनकर वो खड़ी है। ये युद्ध हम जरूर जीतेंगे। 16 दिसंबर 1971 विजय दिवस। 13 दिन चली इस लड़ाई को भारत ने जीत लिया था। पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने अपने 93,000 सोल्जर्स के साथ भारतीय ज्वाइंट फोर्सेस को सरेंडर कर दिया था। दुनिया का ये पहला और एकमात्र सेरेमोनियल पब्लिक सरेंडर था। एक आजाद राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष पीसी लाल इन माधापर की वीरांगनाओं के शौर्य से इतने प्रभावित हुए कि 8 जुलाई 1972 को वो माधापर आए और स्मृति चिन्ह के रूप में एक मिग प्लेन का प्रतीक भेंट देकर गए। आज इस घटना को 48 साल बीत गए हैं और इस ऐतिहासिक घटना को लोग और खास करके कच्छ की आने वाली पीढ़ी याद रखे, इस विचार से इस घटना के याद स्वरूप एक भव्य वीरांगना स्मारक का भी निर्माण किया गया है। आज जब आप पश्चिम कच्छ में दाखिल होते हैं तो माधापर गांव के बाहर बनाई ये स्मारक आपको उन वीरों और वीरांगनाओं की याद दिलाता है कि कैसे वो एक सिपाही की तरह ही अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने देश की रक्षा और स्वाभिमान के लिए सामने आए थे। हम इन वीरों और वीरांगनाओं को सलाम करते हैं और इस स्मारक के जरिए आने वाली पीढ़ी इन्हें याद करती रहे और इनसे प्रेरणा लेती रहे कि देशभक्ति आप किसी भी रूप में दिखा सकते हैं, क्योंकि हर एक जंग बॉर्डर पर नहीं लड़ी।